गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सोशल साइंस का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। आप सभी से ज़्यादा प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1913, 1914, 1915, 1916, 1915। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, जनवरी 1921 कलकत्ता अधिवेशन, 1920 लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1983, 1984, 1985, 1985। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? 1916, 1917, 1918, 1919, 1916, 1917, 1917। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का किसने नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबा रामचंद्र। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921, 1919। उस सन्यासी का नाम बताएं जो फिजी में एक गिरी मजदूर था? अली सीताराम राजू, बाली सीतारामन, बाबा जयदेव या बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र। असम में बागान श्रमिकों का असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा। वे हड़ताल पर चल गए। उन्होंने बागानों को नष्ट कर दिया। वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले। उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू किया। वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चल पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? खेड़ा, बारदोली, चंपारण सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित नए कानून बनाने, व्यापार से संबंधित कानून बनाने, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने। निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़? जवाहरलाल नेहरू और सी अरदास, मोतीलाल नेहरू और सी अरदास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। लखनऊ समझौता किस वर्ष? 1916, 1918, 1920, 1922, 1916। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थन शुरू हुई? 1919 अरब, 1919 तुर्की, 1920 फ्रांस, 1921 ईरान, 1919 तुर्की। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमान के नाम से शहर? सैयद अहमद खान, कागा खान, खान अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी। खान अब्दुल गफार खान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती इंदिरा बिसेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले। चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन हिंसा आंदोलन वापस ले लिया। सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन? डायर समिति, मंटीगी समिति, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति? हंटर समिति। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? अमरण अनशन से, केसरे हिंद पदक वापस करके, दांडी यात्रा से, स्वाधीनता दिवस मनाकर? दांडी यात्रा से। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था? रोलेट एक्ट, वर्नकुलर एक्ट, सेवन कमीशन, इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट। रोलेट एक्ट।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1929, 5 मार्च 1931, 6 मार्च, 7 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? 21 अक्टूबर 1930, जनवरी 1920, 12 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1920। 6 अप्रैल 1930, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1928 दिल्ली, 1930 मद्रास, 1920 नागपुर, 1930 लंदन। 1930 लंदन। आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद, अल्ली अल्लूरी सीताराम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। अल्लूरी सीताराम। किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? रॉलेट एक्ट, वर्नकुलर एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, सैमन कमीशन। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट गोलमेज SLN किस वायसरे ने किया था? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ? 1942, 43, 44, 45, 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा प्यार करेंगे देंगे। थैंक यू।